Hello students, today we are going to study chapter solution. I think you all will enjoy it. Solutions, actually whatever we observe around us, हम अपनी चारों तरफ जितनी भी चीजें देखते हैं ज्यादातर चीजें वो मिक्सचर्स होती हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल ब्रास है तो वो किससे बना है, कॉपर एंड जिंक से मिलके बना है. सिल्वर जर्मन सिल्वर है तो कॉपर जिंक प्लस निकल. इवन जो गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उसमें भी गोल्ड में मींस जो गोल्ड के साथ में उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें कॉपर मिलाया जाता है जिससे कि फॉर अकॉर्डिंग टू अवर यूज, अपने यूज के आधार पे हम उसको बनाते हैं. ठीक है, तो जो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये सारे आपने सॉल्यूशंस के बारे में पहले भी पढ़ा है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी मिक्सचर है, शुगर का वाटर में सॉल्यूशन है या सॉल्ट का वाटर में सॉल्यूशन है तो वो, या सैंड का वाटर में सॉल्यूशन है या कोई और, जैसे अभी एग्जांपल हमने दिए, या इवन हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आप देख सकते हो ब्लड क्या है, दैट टू इज सॉल्यूशन. इवन आपका जो फूड का जो डाइजेशन हो रहा है वो भी सॉल्यूशन के बेसिस पे हो रहा है. जो एंजाइम्स किसी भी चीज को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करते हैं, तो वो बिना सॉल्यूशन के, क्योंकि वाटर वहां पे भी रिक्वायर्ड होता है जिससे कि वो फूड जो हमने खाया है उसकी वो उसको वो हाइड्रोलाइज कर सके. ठीक है, तो सॉल्यूशन का हमारी लाइफ में आपने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. इसलिए हम सबको वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वॉट आर सॉल्यूशंस, what is the need of studying the solution, what are the benefits after knowing this. okay, so solution jo hai koi bhi solution binary, agar do component se bana hai to wo binary solution ho jata hai, agar do se adhik binary solution koi bhi do component se bana hai to wo jo hai to wo binary hai, usse zyada teen hai, three hai to tertiary and so on. लेकिन इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन. सो नाउ यू नो दैट द सॉल्यूशन इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन. वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट. सो सॉल्यूट कौन सा कंपोनेंट है जिसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, जो कंपोनेंट कम होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. अच्छा, हमने पहले भी हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि मिक्सचर्स क्या है, मिक्सचर्स मिक्सचर्स होमोजीनियस मिक्सचर्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मींस अगर जो है सॉल्यूशन की जो हमारी जो डेफिनेशन है दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. तो होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में मान लीजिए आपने पूरा कोई शरबत बनाया, चीनी आपने डिजोल्व की है वॉटर में और भी जो कुछ डाला है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि ऊपर ऊपर का जो शरबत निकला वो मीठा निकला और नीचे से फीका निकल रहा है, ऐसा नहीं होता. क्यों मींस क्योंकि वो सारा का सारा एक जैसा है. नाउ यू कैन नॉट फाइंड आउट कि आप उसमें से जो आपने चीनी को डिसॉल्व कर दिया है तो उसमें से आप जो है कभी ये नहीं कर सकते हो कि उसमें से आप सोचो कि एक जगह पे आपको चीनी दिखाई दे रही है, कहीं और कहीं पर नहीं दिखाई, वो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देती बिकॉज वो पूरी तरीके से एक जैसी उसमें डिसॉल्व हो गई है. तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं. और जिसमें जैसे मान लीजिए सैंड है वाटर में तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे में एक जैसा डिसॉल्व नहीं है, कहीं आप उसको आपको जैसे मान लीजिए सैंड आपने डिसॉल्व करी, उसको खूब हिलाते रहे, घुमाते रहे, उसको हिलाते रहे, तो थोड़ी देर के लिए इट मे बी पॉसिबल कि आपको लगे कि हाँ शायद डिसॉल्व हो गया है, लेकिन जैसे आप उसको रखेंगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड कि वो सारे का सारा जो है नीचे बैठने लग जाता है. सो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर जो होता है हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है. इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द जो होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड द बाइनरी सॉल्यूशंस. अच्छा, इसके बाद अब ये जो मिक्सचर्स की जो बात आती है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जो है देखिए थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसमें ही इन्हीं तीनों स्टेट्स का जो है मिक्सिंग होती है. जैसे हम फॉर इंस्टेंस हम सबसे पहले मान लीजिए गैस को ले लेते हैं. मान लीजिए हमने गैस को ले लिया और गैस में अगर हमने गैस
को दोनों ही कंपोनेंट, यानी इधर मान लीजिए अगर हम ये कहें कि सॉल्यूट है और इधर जो है सॉल्वेंट है, ओके, तो लाइक दिस, तो ये गैस प्लस गैस, अच्छा इट मे बी पॉसिबल लिक्विड लिक्विड प्लस प्लस गैस एंड इट मे बी सॉलिड प्लस गैस. सो एज इन इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो एग्जाम्पल, वैसे आप उसके अलावा भी एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप दे सकते हैं. तो जैसे गैस एंड गैस मीन्स लाइक दैट एयर, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट यू नो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो यू नो दिस. एंड लिक्विड दैट वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, एंड यू कैन सी दैट लिक्विड एंड गैस दैट लाइक दैट इज क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म जो है क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जो है दैट इज अ लिक्विड, तो वो जो है वॉलेटाइल लिक्विड होता है, बट है तो लिक्विड ना, तो वो किसमें जाके मिक्स हो रहा है, सो दैट इज यू कैन से लाइक क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म प्लस इट मे बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एनीथिंग एल्स प्लस ऑक्सीजन, एनीथिंग एल्स, इट मे बी लाइक दिस, कोई सा भी, ठीक है. सॉलिड प्लस गैस, लाइक सॉलिड मीन्स डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, वो भी आपका दैट इज क्या कहते हैं, यू कैन से दैट दैट इज ए मिक्सचर सॉलिड प्लस गैस में, बट गुड एग्जाम्पल इज कैम्फर. सो कैम्फर इज लाइक दिस, दैट इज कैम्फर, सो प्लस कैम्फर इन एयर और ऑक्सीजन, ठीक है, सो दैट इज कैम्फर, तो ऑक्सीजन में या नाइट्रोजन में, कैन बी एनीथिंग यू कैन राइट, सो लाइक दिस, ओके, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट भी ये हो गया हमारा गैस के अकॉर्डिंग पे, जैसे इसको मैं सोचती हूँ कि यू कैन से यहाँ पर हमने गैस एज सॉल्वेंट लिया है. अब हम ले रहे हैं मान लीजिए लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, तो इसमें जो है हमारा मिक्सिंग, जैसे मान लीजिए हमने पहले मिक्सिंग की आपका लिक्विड प्लस लिक्विड, तो इसमें आपका मिल्क इन वाटर और एनीथिंग यू कैन डिजोल्व. देखिए सॉल्यूशन का जो होता है हमेशा सिद्धांत लाइक डिजोल्व लाइक, तो जो है लिक्विड इन लिक्विड लाइक लाइक इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल इथेनॉल इन वाटर, इट कैन बी 10%, इट कैन बी 50%, एनी, ठीक है. इसके अलावा सॉलिड, ये आपका लिक्विड प्लस लिक्विड हो गया, इसके बाद आके आपका सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड प्लस लिक्विड, सो इट वुड बी शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, और गैस इन लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड, यू कैन नो द एग्जाम्पल लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन वाटर, यू नो ऑक्सीजन इन वाटर हाउ मच इंपॉर्टेंट, यू कैन से दैट ऑक्सीजन इन वाटर, दैट अगर इफ वाटर में ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं हो तो लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती, बिकॉज यू कैन से दैट दे नीड ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन, तो इससे ऑक्सीजन डिजॉल्व है, दैट्स वाई द लाइफ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव इन वाटर, ठीक है. तो ये हो गया आपका गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन ऑल. नाउ कमिंग टू द सॉलिड, सो सॉलिड, सो इसमें भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए सॉलिड में हमने सबसे पहले ले लिया, मान लीजिए गैस ले लिया हमने, गैस इन सॉलिड, सो यू कैन से वेरी गुड एग्जाम्पल इज लाइक हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम. एक्चुअली पैलेडियम का क्या होता है, एक हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे बॉक्सेस नहीं होते, ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई हनी कॉम्ब आप देखा हो आप लोगों ने शायद, तो हनी कॉम्ब में क्या होता है कि उसमें जो होती है हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल, वो ट्रैप हो जाते हैं उसके अंदर, तो इस तरीके से, तो वो दैट इज ए, क्योंकि उसमें कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है, वो सिर्फ हाइड्रोजन बिल्कुल उसमें सिर्फ ट्रैप हो गई है, उसमें उसके अंदर फंस गई है हाइड्रोजन, तो क्या है हम कहेंगे कि एक मिक्सचर हो गया है, और फाइनल फेज जो है वो सॉलिड ही है, पैलेडियम क्या है, सॉलिड है, तो निकल भी इन द सेम वे,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज हाइड्रोजन H2 इन पैलेडियम. इसके अलावा नो यू कैन से दैट इज लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड. सो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम मर्करी एमलगम. सो मर्करी जो होता है मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है, सोडियम सॉलिड है मेटल है, तो उनका जो बनता है तो वो सॉलिड फॉर्म में मिक्सचर बनता है. तो ये आपका हो गया सोडियम सोडियम मर्करी एमलगम. और आपका जो लास्ट हुआ इसमें दैट इज सॉलिड इन सॉलिड. और इसका जो है कोई से भी आप एलॉयज ले लीजिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल्स दिए थे लाइक गोल्ड ज्वेलरी का एग्जांपल दिया था, ब्रास है, जो है आपका ये जो है व्हाट आर दीज, दीज ऑल आर दी सॉलिड के बहुत एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. आपको कहीं देख के ये नहीं लगता कि ये जो चीज है इसमें आप कहेंगे कि ब्रास है तो आपको कॉपर अलग दिखाई दे रहा हो उसमें, कहीं किसी जगह आपको कॉपर की कंपोजिशन ज्यादा लगे, जिंक कम लगे, कहीं जिंक ज्यादा लगे, ऐसा नहीं होता है. सो दैट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर. तो ये हमारा जो हो गया दैट इज क्या हुआ, ये सारा हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सो हमने जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने वी हैव डन इट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, डाउ आगे बढ़ने के लिए हमें जो है वी मस्ट नो जो सॉल्यूशन है. हमें जब ये सारी चीजों को स्टडी करना है यहाँ पर चैप्टर में हमें सॉल्यूशन में जैसे सॉलिड का वाटर में जो सॉल्यूशन है क्या उसकी कौन, तो हमें उन सब चीजों को समझने के लिए एक चीज होती है. देखिए इस चैप्टर में हम कोई क्वालिटी वाली स्टडी नहीं कर रहे. क्वालिटी मीन्स जैसे हम ये कहें कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, ऐसी कोई चीज तो है कर नहीं रहे. हम क्या कर रहे हैं इस चीज में से वो जो जो भी कितना जैसे सॉल्यूट डिजोल्व है उसके आधार पे उनमें जो है कि जो क्वांटिटी वाले स्टडी हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं, इसमें जो हमारी जो है क्वांटिटेटिव एक तरीके से एनालिसिस है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का हमें नॉलेज होना उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है. तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में यू नो दैट इज हम कॉन्सेंट्रेशन को दो तरीके से जान सकते हैं. जैसे कोई भी चीज है मान लीजिए हम बाइनरी सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं तो एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है. ओके, तो अब उसमें कॉम्पोजिशन में हम ये कह सकते हैं कि कोई जो सॉल्यूट है तो वो मास के आधार पे हम डिसाइड कर सोच सकते हैं कि कोई किसी चीज का सॉल्यूट का कितना मास और कितने सॉल्वेंट के मास में डिजोल्व है. या हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन में कितना डिजोल्व है. या फिर हम ये देख सकते हैं कि कोई किसी चीज सॉलिड का मास जो है वो कितने वॉल्यूम में डिजोल्व है. तो ये सारी टर्म्स का जो है हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो इसके लिए हम देखिए सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम मास परसेंट. मास परसेंट क्या है कि ये क्या है, ऊपर स्मॉल डब्ल्यू जो है दैट इज द वेट ऑफ द कॉम्पोनेंट सॉल्यूट का, और यहाँ पर ये क्या है दैट इज जिस सॉल्वेंट में वो डिजोल्व है. अच्छा, अब हम कोई भी चीज को आप ये क्वेश्चन मन में आ सकता है कि ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू हंड्रेड क्यों होता है. अब हाँ, तो जो है मास परसेंटेज यानी हमने अगर बोला मान लीजिए 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो 10% ग्लूकोज का मतलब क्या है कि 10 जो है ग्राम्स क्या है उसमें ग्लूकोज का है, और उसमें टोटल जो सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम्स का है, और परसेंट मीन्स इंटू 100. तो ये हमने बोला कि 10% सॉल्यूशन किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज किसमें, इन वाटर. ठीक है, नाउ यू सी दिस कि इससे एक चीज समझ जाती है आपकी कि 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज है. तो एक्चुअली मींस 10 ग्राम ग्लूकोज है तो मींस 90 ग्राम क्या हुआ, वाटर हुआ. अच्छा ठीक है, चलिए दूसरा हम देख लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन. अब कोई भी चीज होती है, देखिए यहाँ पर परसेंटेज वाली बात थी, मास परसेंटेज तो यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था. जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं आपने देखा है पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, आप लोग अभी भी करते होंगे. पार्ट्स पर मिलियन यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिलियन. मिलियन क्या होता है, 10 to the power 6. अच्छा अब इसका यूज क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन. जैसे पार्ट्स पर मिलियन जैसे जनरली अगर आप पॉल्यूशन की बात करें तो बहुत कम ट्रेसेस में होगा. तो हम ये कहेंगे जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन है तो कितना है कि अगर हमने मिलियन
मॉलिक्यूल्स अगर हम कैप्चर करें तो उसमें मान लीजिए एक मॉलिक्यूल हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का या सल्फर डाइऑक्साइड का हमको मिला, तो ये इसलिए हम इस तरीके से ये वाली टर्म यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, फिर उस आधार पे देखते हैं कितना है। तो ये हो गया आपका, जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात की तो पार्ट ऑफ कॉम्पोनेंट, एक पार्ट मिला या दो पार्ट मिला, और यहाँ पर हमने टोटल जितने भी पार्ट हमने जितने भी अमाउंट हमने लिया है गैस का, और इनटू हम उसमें क्या कर देते हैं 10^6, तो हमारा इस तरीके से पार्ट्स पर मिलियन, और इसको हम लिखते हैं पीपीएम। ना मोलैलिटी, मोलैलिटी की बात है तो मोलैलिटी में क्या है, जैसे देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नाउ यू सी दैट मोल्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ वी फाइंड आउट मोल्स, मोल्स होता है किसी भी चीज का अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो मोल्स होते हैं गिवन वेट, मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, यू नो। तो हमें जो है अगर हमें मोलैलिटी निकालनी है तो यहाँ पे क्या है हमारा ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन खास ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वर्ड है दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम सब जगह पे हम देखते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में हमने हर जगह पे हमने क्या लिया है, हर जगह पे हमने सॉल्यूशन लिया है, लेकिन ये एक अकेला मोलैलिटी ऐसा जो है जिसमें हम क्या करते हैं, मोलैलिटी में हम नीचे पूरा सॉल्यूशन ना लेकर के हम सॉल्वेंट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन जो है आपका मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी इट इज नॉट मोल्स, इट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम होता है, जैसे हमें कहें कि मान लीजिए 1 kg वाटर है और हमें उसमें हमारा मान लीजिए NaCl है, NaCl डिजोल्व है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे हमने बोला कि हमें मान लो दिया होता है क्वेश्चन में, हमें ये दे दिया कि हमने 10 g जो है NaCl डिजोल्व किया है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमारा गिवन वेट कितना हो गया NaCl का 10 g हो गया, और उसका हम मॉलिकुलर वेट निकाल लेंगे तो जैसे सोडियम का कितना है 23 है, और जो है उसका क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, तो 23 एंड 35.5 को हम ऐड करेंगे तो गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से जो है हम लिख करके हम करेंगे सॉल्व, तो हमारे जो है मोल्स निकल आएंगे, तो हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और इस तरीके से हमारा जो है, तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है खासतौर से इसमें कि हम जो है कहीं पर भी ये ध्यान रखें कि जो मोलैलिटी निकालनी है वो मोलैलिटी को हमेशा लिखा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है स्मॉल एम से, तो ये वाला मिस्टेक जो है कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। तो ये दैट इज दिस इज द मोलैलिटी। अच्छा एक जो टर्म बहुत यूज होती है दैट इज इन बी मोलैलिटी, क्योंकि जहां भी हमें ये सब चीजों में हमारे को मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन जैसे हमारा कोई बाइनरी सॉल्यूशन है या और इससे भी ज्यादा भी अगर हो तो हमारा जो है उसमें जिसका भी हमें निकालना है कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, कि अगर हम सारी चीजों को हम मोल्स के रूप में देख रहे हैं कि सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो अगर मान लीजिए हम ये कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन दोनों का सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मान लीजिए हम कहेंगे कि जैसे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें मान लीजिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है कि ये कितना है प्रेजेंट, तो हम वो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सॉल्यूट अपॉन मोल्स जो है सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो डिनोमिनेटर में हम दोनों को मोल्स को प्लस करेंगे और इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो मोल्स आ जाएंगे। इन दिस वे सेम वे जो सॉल्वेंट जो दूसरा पार्ट है उसका भी निकाल सकते हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इस तरीके से हमारा जो है ये निकल जाएगा। और ये एक और तरीका होता है कि जो है एक का अगर हमारा निकल आता है, तो जैसे मान लीजिए हमारा ये आ गया आंसर एक्स ए, तो हम एक्स भी आराम से निकाल सकते हैं कि 1 - xA करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है हम इस तरीके से मोल फ्रैक्शन हम इजिली इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन हम में निकाल सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं तो अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, समझ में आ जाएगा ये। तो क्योंकि सिंपल सी बात है, मान लीजिए ऐसे समझ लो कॉमन सी बात है, मोल्स में अगर हमें क्या मान लीजिए टोटल 100 मोल्स हैं, दो बाइनरी सॉल्यूशन है, एक के 40 मोल्स हैं, तो ऑब्वियसली दूसरे जो कॉम्पोनेंट है उसके मोल्स कितने होंगे, 60 मोल्स होंगे,
तो कुछ इस टाइप से जो है हम क्यों, क्योंकि वन वन माइनस करके हम निकालते हैं, हमने अगर जो भी टर्म लिया है तो इसमें हम आंसर हमारा सेम ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, और हम कौन से तरीके से भी फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम के आधार पे भी हम फाइंड आउट करते हैं, वी बाई वी। तो वी जो है वॉल्यूम जो है कॉम्पोनेंट का वॉल्यूम जिसको, और ऊपर नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है इंटू 100, तो ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज हो जाता है। वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम जैसे कहाँ यूज, जैसे फार्मेसी में दवाइयों में जो है यूज होता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, उसमें कितना जो है मास कितना उसमें डाला गया है, उस वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व किया गया है, तो दैट इज द मास बाई वॉल्यूम। और ये मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल्स का जो तरीका है निकालने का उसी तरीके से मोल्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसके जरिए हम जो है मोलैरिटी को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये